Hello, assalamu alaikum everyone. This is Sayyid Noor Hussain. और आज हम करेंगे Constitution of Pakistan 1973. देखें, हर दूसरे दिन किसी ना किसी बच्चे का Constitution of Pakistan पे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, और कभी फेडरल से रिलेटेड कि फेडरलिज्म क्या होती है, और डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हैं. तो जो आप लोगों की सेल्फ स्टडी जारी है व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें मैंने अभी काफ़ी सारे इश्यूज तो इंटरनल भेज दी हैं. अब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें भेजनी थी, तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं आपको एक लेक्चर दे देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन पे. बेसिक उसका एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपका क्लियर हो जाए, ताकि आप लोगों को जो है वो मुश्किल ना हो. कॉन्स्टिट्यूशन वाला इशू जो है ना वो सबको आता है, तो इसको हम एक लेक्चर के फॉर्म में कर लेते हैं. अब देखें, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या चीज होती है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज होती है, आप में से कोई मुझे बताए. रूल्स एंड गाइडलाइंस, ठीक है, लॉ है जो सबने फॉलो करना है, अबाइड करना है, सेट्स ऑफ लॉज इन अ स्टेट, बिल्कुल ठीक है, सेट्स ऑफ रूल्स, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, रूल्स इंप्लीमेंट इन कंट्री, लॉ ऑफ लैंड, बिल्कुल ठीक है. सारे के सारे जो आपकी डेफिनेशंस हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, और मकसद ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी मुल्क का, वो जो है वो सबसे जो है वो ऊपर एक चीज होती है, और बाकी हर किसी ने उसके ताबे होना होता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मुल्क के लिए, और वो एक वाकई एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे यहाँ पे किसी ने कहा है, उसके बगैर मुल्क चल नहीं सकते. क्योंकि देखें, प्रेसिडेंट्स आते हैं वो चले जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं चले जाते हैं, ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो आती है और वो चली जाती है, लेकिन जो चीज कांस्टेंट रहती है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपका कानून है. वो कानून जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक, उससे पता चलता है कि ये किस किस्म का मुल्क है, और इसमें क्या निजाम हुकूमत जो है ना वो राइज है, और उसमें पावर जो है ना, पावर ये आपने जरूर समझना है, पॉलिटिकल साइंस के एंगल से भी है, कि पावर कैसे डिवाइड हुई हुई है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पावर कैसे डिवाइड हुई है. देखें, पुराने जमानों में क्या होता था, जब बादशाह होते थे, सारी की सारी जो पावर होती थी वो एक आदमी के हाथ में होती थी, जो कि बादशाह होता था. उस बादशाह के हाथ में जो है वो सारी पावर होती थी, और वो किसी भी तरह उस पावर को अब्यूज कर सकता था. वो कानून बना भी सकता था, वो खुद सुप्रीम कोर्ट भी था, खुद जज भी था, वो हर कुछ वो खुद ही होता था. फिर जो है वो 17th सेंचुरी में एनलाइटनमेंट फिलॉसफी आई, और एनलाइटनमेंट फिलॉसफी के तहत जो है ये फलसफा दिया गया कि जो पावर है उसको सेपरेट कर दिया जाए, डिफरेंट इदारों के हाथ में दिया जाए, और एक आदमी के हाथ में ना हो. उसी टाइम पे कॉन्सेप्ट आया कॉन्स्टिट्यूशन का भी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का भी. और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, कि एक कानून होना चाहिए जो कि सब पे रूल करे. यहां से रूल ऑफ लॉ का भी कॉन्सेप्ट आता है, कि एक रूल जो है वो लॉ से हो, ना कि किसी एक इंसान का हो, ना कि किसी एक जो है वो फैमिली का हो, डेनिस्टी का हो. तो ये जो सारी सोच है डेमोक्रेसी से रिलेटेड, ये उस टाइम पे आई. उसी टाइम पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी वजूद में आई. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थीरीज हैं उस टाइम की, ये पॉलिटिकल साइंस में जो स्टूडेंट्स आप में से हैं वो पढ़ेंगे. सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कि मुख्तलिफ लोगों ने मिल के एक अवाम जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, और वो एक आइन जो है वो वजूद में ले आती है. इसी तरह पाकिस्तान में भी कई आइन आए, और 1956 का आया, 1962 का आया, और 1962 के बाद जो आया 1973 वाला, 1973 वाला जो आइन है ये इस वक्त पाकिस्तान में राइज है, तो हम इसको देखेंगे.
हमने थोड़ा सा देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आए, क्या वो सोच थी। अब हम डायरेक्टली पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें। देखें जी, मैं ये अपलोड करूंगा, मैं अपलोड करूंगा क्योंकि काफी सारे बच्चे जो हैं वो बिजी हैं। अच्छा, अब देखते हैं सबसे पहले कि फॉर्म्स ऑफ स्टेट एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी मौजूद हैं। ये एक चीज बहुत कंफ्यूज करती है लोगों को, तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखें, एक चीज होती है स्टेट, जो कि एक मुल्क है, जो कि वो एक रियासत है, उसकी क्या फॉर्म है। दूसरी चीज होती है गवर्नमेंट, कि जो वहां पे अथॉरिटी है, जो एक एंटिटी उसको रूल कर रही है, जो गवर्नमेंट है, उसकी क्या फॉर्म है। दोनों को जरा सेपरेट करके देखा जाता है और उसमें डिफरेंट किस्म के हमें जो हैं वो फॉर्म्स मिलती हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले देखें फॉर्म्स जो हैं, स्टेट क्या है। देखें स्टेट और गवर्नमेंट में क्या फर्क है। स्टेट आपकी रियासत है। देखिए पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का मैं नक्शा बना रहा हूं। पाकिस्तान एक रियासत है, ये उसकी टेरिटरी। रियासत क्या होती है, एक टेरिटरी, एक जिसमें लोग रहते हो, उसमें जो है उनका सेल्फ कंट्रोल हो, उनकी सॉवरेनिटी हो, इसको कहते हैं रियासत या स्टेट। तो स्टेट की फॉर्म जो है कि उस वो एक चीज है, और दूसरी चीज है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोई नहीं चीज, कोई चीज नहीं होती। जैसे आपकी कैबिनेट है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर है। जिस मुल्क में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां पे प्रेसिडेंट है। तो ये जो है गवर्नमेंट है, जो आपकी एक्चुअल गवर्नमेंट होती है। तो इनको थोड़ा सेपरेट करके देखा जाता है और हम देखते हैं कि किस किस किस्म की फॉर्म्स मौजूद होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ स्टेट कौन सी होती हैं। ये काफी कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो देखें फॉर्म्स ऑफ स्टेट कौन कौन सी हैं। सबसे पहले होती है फेडरल स्टेट, यूनिटरी स्टेट। ये मैं आपको वो बता दूं जो कि हमारे लिए रेलिवेंट है। बहुत सी और भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, बहुत सी और भी। ये इन्होंने साकिब ने लिखा है, ये इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन है जो आपको इंटरनेशनल लॉ में मिलती है, ऐसी है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये ना पढ़ें, लेकिन इसकी टेक्निकल डेफिनेशन स्टेट की यही है कि उसमें टेरिटरी हो, उसमें पॉपुलेशन हो, उसमें गवर्नमेंट हो, सॉवरेनिटी हो, मतलब एक रियासत आप उसी एक एंटिटी को कंसिडर करेंगे। कई ऐसी जगह हैं जहां पे ये सब टेरिटरी तो होगी, पॉपुलेशन होगी, लेकिन उनकी सॉवरेनिटी नहीं होगी, उसको आप रियासत नहीं कंसिडर कर सकते जी। तो रियासत और हकूमत में एक फर्क होता है। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ स्टेट, किस किस किस्म की रियासत जो है वो मौजूद है। एक है फेडरल, एक है यूनिटरी। पाकिस्तान फेडरल है, लेकिन उसको समझने के लिए यूनिटरी भी समझना जरूरी है, जिन बच्चों को ये चीजें समझ नहीं आती। देखिए यूनिटरी स्टेट क्या होती है, सारी चीज जो है ना वो आके खड़ी हो जाती है पावर पे। पावर क्या होती है, ताकत। और किस चीज की ताकत, किस चीज की ताकत, सवाल ये होता है। देखें एक तो है कानून बनाने की ताकत, लेजिस्लेटिव पावर, कि कानून कौन बनाएगा। दूसरी चीज ये है एग्जीक्यूटिव ताकत या पावर, कि उन लॉज को इन्फोर्स कौन करेगा, पुलिस को कौन कंट्रोल करेगा, बाकी इदारों को कौन कंट्रोल करेगा। जो ये पावर है, सारी बात जो है वो इस पे आगे खड़ी होती है कि पावर किसके हाथ में होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पावर किसके हाथ में होगी, ये सारी कौन लॉज बनाएगा और कौन जो है वो उनको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अभी आप आगे ना बढ़े रेजिड्यूरी पावर, उसमें अभी आप सिर्फ पावर को कंसेप्चुअली समझें। ठीक है, इतना आगे ना बढ़े रेजिड्यूरी पावर, बस पावर के कॉन्सेप्ट को समझें। ये पावर जो है, जब पहले बादशाह होते थे, किंग्स होते थे, मोनार्क्स होते थे, ये सारी की सारी ताकत उन एक बंदे के हाथ में होती थी। वही कानून बनाता था, वही कानून एग्जीक्यूट करता था, वो कुछ भी कर सकता था, किसी को छोड़ दे, किसी को कुछ भी कर दे। लेकिन जब से डेमोक्रेसीज आई हैं, नई फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आई हैं, फॉर्म्स ऑफ स्टेट आई हैं, इस पावर को डिवाइड करके अब इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें जो यूनिटरी स्टेट होती है, जो यूनिटरी स्टेट होती है, इसके अंदर आप वर्ड देखिए यूनी, यूनी का मतलब होता है एक। आपने यूनिफाइड सुना होगा वर्ड, तो यूनिफाइड या यूनी वैसे भी एक को कहते हैं। तो यूनिटरी का मतलब है जिसमें जो आपकी सेंटर है, जिसमें जो आपकी सेंट्रल हुकूमत है, वो पूरे के पूरे मुल्क के लिए लॉज बनाए। अब होगा क्या, इसका मकसद क्या है कि देखें, फर्ज करें कि ये इंग्लैंड है,
इंग्लैंड, ठीक है, ये इंग्लैंड का मैप है। अब ये देखें, ये यूके है, ये यूनिटरी है, ये एक्चुअली भी यूनिटरी है। अब यूके में क्या होता है, फर्स्ट करें ये लंदन में, ये लंदन है, यहाँ पे उनकी एक पार्लियामेंट है और इस पार्लियामेंट में आपके मेंबर्स हैं, वो पूरे के पूरे मुल्क के लिए लॉज बना सकते हैं, इदारे बना सकते हैं और उसको डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं पूरे के पूरे मुल्क को। ये यूनिटरी निज़ाम है, ये वहां पे सूट करता है जहां पे एथनिक डाइवर्सिटी ना हो, जहां पे जो मुल्क के अंदर रहने वाले डिफरेंट लोग हैं वो अपना इख्तियार खुद ना करना चाह रहे हो। जैसे यूएस है, यूएस में एथनिक डाइवर्सिटी तो नहीं है, लेकिन यूएस का एक बैकग्राउंड ऐसा है कि वहां के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, स्टेट से मुराद उनके प्रोविंसेस जो हैं, वो एक डिफरेंट उससे आ रहे हैं, आजाद बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो वहां भी फेडरल सिस्टम है। यस, यूनिटरी में जो है वो सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में ऐसी कोई डिविजन नहीं होती, सेंटर काफी हद तक डायरेक्टली जो कंट्रोल है वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। ये इन इस तरह के मुल्कों पर सूट करता है। यूरोप में बहुत से मुल्कों में है, फ्रांस में है, दुनिया में 150 से ज्यादा मुल्कों में यूनिटरी सिस्टम ही है। फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम क्या होता है, फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम क्या होता है, जैसे पाकिस्तान में है, इंडिया में है और यूनाइटेड स्टेट्स में है, उसमें क्या होता है कि आपकी जो पावर है, आपकी जो ताकत है, वो डिवाइड कर दी जाती है सेंटर के बीच में, सेंटर के बीच में और जो है वो प्रोविंसेस के बीच में। अब ये अरेंजमेंट पाकिस्तान में है, ये अरेंजमेंट इंडिया में है, ये अरेंजमेंट यूएस में है। अब यूएस में एथनिक डाइवर्सिटी तो नहीं है जैसे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में आप देखें सूबे जो हैं वो ऑलमोस्ट लिंग्विस्टिक और एथनिक बेसिस पे जो है वो डिवाइडेड है, इंडिया में भी ऐसे ही है। यूएस की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है जिसकी वजह से वहां पे फेडरल सिस्टम है। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि यूएस जो है वो डिफरेंट स्टेट से मिलके बना है। ये जो यूएस है ना, ये हम उसको एज अ मुल्क देखते हैं, लेकिन आप ऐसे समझ लें उसकी अपनी हिस्ट्री में वो डिफरेंट मुल्कों से मिलके एक बड़ा मुल्क बना हुआ है। तो वो जो छोटे छोटे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं, दे वर इंडिपेंडेंट कंट्रीज एट सम पॉइंट, तो जब वो मिलके उन्होंने एक बड़ा मुल्क बनाया यूनाइटेड स्टेट्स, तो उन्होंने पावर अपने हाथ में भी रिटेन करने की कोशिश की, तो ये एक फेडरल मुल्क इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आया इस बात का कि फर्क क्या है यूनिटरी स्टेट और फेडरल स्टेट में, फर्क समझ आ गया या रिपीट कर लें, ये समझना जरूरी है ताकि हम लोग आगे चलें। काफी लोगों को फेडरल और यूनिटरी के समझ नहीं आता। ठीक है, चलें, ठीक है, ये आपने अपने ज़हन में रखना है कि पाकिस्तान जो है वो फेडरल है। देखिए फेडरल में आपको फिर बता देता हूँ, फेडरल स्टेट क्या होती है, यूनिटरी पहले आप समझ लें, फर्स्ट करें, ये यूनिटरी स्टेट है, ये इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, उसके सेंटर में जो भी गवर्नमेंट है लंदन में बैठी हुई, वो पूरे मुल्क को कंट्रोल करेगी, पूरे मुल्क के लिए कानून बनाएगी और उस पर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल भी करेगी, लेजिस्लेटिव कंट्रोल भी करेगी। ये यूनिटरी सिस्टम है, यूनिफाइड सिस्टम है, यूनिफाइड है, पूरे का पूरा सिस्टम यूनिफाइड है। ठीक, यूनिफाइड है। दूसरी है फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट क्या होती है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ये यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है। अब फर्स्ट करें यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उसके जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट सूबे हैं, वो हर कोई अपना अपना कंट्रोल जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है किसी हद तक। ठीक है, ये फर्क है। पाकिस्तान भी फेडरल है, इंडिया भी फेडरल है, यूएस भी फेडरल है, राइट। अच्छा, अब ये होगी फॉर्म ऑफ स्टेट कि पावर को कैसे डिवाइड किया गया, ताकत को कैसे डिवाइड किया गया, या तो डिवाइड नहीं किया गया तो उसमें यूनिटरी है, पावर सारी सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, यूनिटरी है, पावर डिवाइड हो गई है तो वो फेडरल है। ये फर्क है पावर के पर्सपेक्टिव से, जो है आपने उसको समझना है। फिर आ जाती है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या चीज है कि जो आपकी हुकूमत है
वो तो किसी भी किस्म की हो सकती है, हुकूमत की तो बेतहाशा किस्म के जो अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, जितने दुनिया में मुल्क हैं उतने अरेंजमेंट्स हैं। आप लेबनान देख लें, उसका बिल्कुल ही डिफरेंट है क्योंकि वहां पे रिलीजियस डाइवर्सिटी है, वहां पे बिल्कुल डिफरेंट अरेंजमेंट है। तो गवर्नमेंट्स की तो बहुत फॉर्म्स हो सकती हैं, लेकिन उसमें जनरली जिस तरह है उसमें जो दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है, एक पार्लियामेंट्री है, एक प्रेसिडेंशियल है। और पार्लियामेंट्री में क्या होता है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, उससे पहले आपको प्रेसिडेंशियल दिखाता हूँ कि प्रेसिडेंशियल क्या होता है कि उसमें आपका एक जो प्रेसिडेंट होता है या जो आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, जनरली वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है, और उसमें और हेड ऑफ स्टेट में कोई फर्क नहीं होता, एक चीज। दूसरी चीज ये कि जो आपका प्रेसिडेंट है वो आपके लेजिस्लेचर जो आपकी कानून साज असेंबली होती है उससे उसका कोई लिंक नहीं होता। जैसे देखें पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट का मेंबर होता है, और जो पार्लियामेंट के अंदर वो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसके पास होता है तो ही वो प्राइम मिनिस्टर है, वरना वो नहीं है। लेकिन यूएस में ऐसे नहीं है, यूएस का प्रेसिडेंट बिल्कुल एक अलग इलेक्शन से आता है, बिल्कुल एक अलग इलेक्शन होता है। उनकी जो पार्लियामेंट है जिसको कांग्रेस कहते हैं उसका एक बिल्कुल एक अलग इलेक्शन होता है। हमारे मुल्क में क्या होता है, एक इलेक्शन होता है, पार्लियामेंट इलेक्ट हो जाती है, पार्लियामेंट इलेक्ट होती है वो एक प्राइम मिनिस्टर बना देती है। यूएस में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हर 4 साल के बाद होता है, हर 4 साल के बाद प्रेसिडेंट का होता है यूएस में। कांग्रेस का वहां पे हर 2 साल के बाद हो रहा होता है, तो बड़ा डिफरेंट वहां का एक निजाम है। अब पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि जहां पे आपका प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेचर को आंसरेबल होता है। अब देखें पाकिस्तान, हमने बात की पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान का फॉर्म ऑफ स्टेट जो है, पाकिस्तान में जो फॉर्म ऑफ स्टेट है वो फेडरल है, ये हमने देख लिया। वफाकी निज़ाम है कि पावर सेंटर में और जो सूबों में डिवाइडेड होगी, और ये क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर्स में आ भी सकता है कि पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान में आपका जो सिस्टम है, क्योंकि ये बहस भी हो सकती है कि पार्लियामेंट्री होना चाहिए, प्रेसिडेंशियल होना चाहिए, पावर कैसे डिवाइड होनी चाहिए, या पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पे बात आ सकती है, तो ये सारा कुछ उसके साथ लिंक्ड है। फॉर्म ऑफ स्टेट फेडरल है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान का पार्लियामेंट्री है। पाकिस्तान में प्रेसिडेंट भी होता है लेकिन वो एक नॉमिनल हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है। और पाकिस्तान के लिए कौन सा सूटेबल है ये बहस अलग है, पहले आप पूरा समझ लें। हाँ, 18th अमेंडमेंट से पहले भी फेडरल था। पाकिस्तान के सारे जो आईन है ना उसमें पाकिस्तान का 1956 हो, 1962 हो या 1973 हो, पाकिस्तान सब में फेडरल था। ठीक है, पाकिस्तान सब में फेडरल था, ये जहन में रखें। लेकिन पाकिस्तान 1956 में पार्लियामेंट्री था, 1962 में प्रेसिडेंशियल हो गया। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में चेंज होती रही है। ठीक है, अच्छा प्लीज चैट करना अवॉइड करें थोड़ा सा, और जब मैं आपसे कहूं तो तब आप करें। ठीक है, लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं इसमें। अच्छा, तो पाकिस्तान में फेडरल फॉर्म ऑफ स्टेट है हमेशा से, तीनों आइन में फेडरल फॉर्म थी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज होती थी, पहले पार्लियामेंट्री आया, फिर प्रेसिडेंशियल आया, फिर पार्लियामेंट्री आया। तो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पाकिस्तान में ये डिबेट है कि प्रेसिडेंशियल हो या पार्लियामेंट्री हो, वो एक पूरा अलग टॉपिक है कि हम इन सिस्टम्स को समझें कि इनके प्लस क्या हैं, इनके माइनसेस क्या हैं। अभी हम असल में कॉन्स्टिट्यूशन तक जाना चाह रहे हैं, तो हम बस उतना समझ लें। अब आगे बढ़ते हैं, देखें फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम हमने बात की, उसको थोड़ा दोबारा देख लेते हैं। व्हाट इज फेडरल सिस्टम, उसकी फॉर्मल एक डेफिनेशन देख लें। अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट इज वन दैट डिवाइड्स द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट बिटवीन द नेशनल फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। सिंपल इज दैट कि आपकी जो पावर्स हैं, जो फेडरल फॉर्म ऑफ स्टेट है, आपकी जो पावर्स हैं लेजिस्लेटिव हैं, ठीक है, ये जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो डिवाइड हो जाएं फेडरल गवर्नमेंट में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। ठीक है, ये इस तरह से। अब हम पाकिस्तान का आगे आइन भी देखेंगे कि ये किस तरह से जो है वो फेडरल सिस्टम उसमें इम्प्लीमेंटेड है। बस आपने ये जहन में रखना है कि जो भी आपकी ताकत है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, फेडरल के पास और प्रोविंशियल के पास। इसकी वजह क्या होती है, देखें इसकी वजह पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में समझ लें। पाकिस्तान में एथनिक डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है,
तो उसमें जो सूबे हैं वो अपना इख्तियार लेना चाहते हैं, और जनरली पाकिस्तान के जो सूबे हैं वो एथनो लिंग्विस्टिक लाइंस पे हैं, तो वो सेल्फ गवर्नमेंट चाहते हैं ताकि वो अपने लिए खुद जो है वो डेवलपमेंट कर सकें, अपना इख्तियार खुद कंट्रोल कर सकें। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ताकि जो एम्पावरमेंट है वो हो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स की। तो फेडरल सिस्टम सूट्स पाकिस्तान एंड प्लेसेस वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान, तो इसलिए पाकिस्तान में फेडरल सिस्टम है। ये समझ आ गया आपको फेडरल सिस्टम क्या चीज है? फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पावर्स डिवाइड हो गई हैं, ठीक है? आई थिंक दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इनफ। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम भी दोबारा देख लें कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट वेयर द एग्जीक्यूटिव derives its democratic legitimacy from its ability to command the support of the legislature, typically a parliament, and is also held accountable to that parliament. In a parliamentary system, the head of state is usually a person distinct from the head of government. ये हम बात कर चुके हैं, लेकिन दोबारा देख लेते हैं कि parliamentary system में जो आपका executive का head होता है, जो आपकी हुकूमत का head होता है, वो जो है वो आपकी लेजिस्लेचर को आंसरेबल होता है, उससे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके वो हुकूमत कर रहा होता है, वो उसको आंसरेबल होगा अपने एक्शंस के लिए। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि आपकी एक पार्लियामेंट है, आप एक लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर क्या होता है? जो कानून बनाता है, और वो लेजिस्लेचर के अंदर से आपके प्राइम मिनिस्टर आ रहे होते हैं। तो दिस इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम। फिर एक देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट, ये भी साथ साथ ही चलता है और ये भी इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि फिर ये आपके आईन की भी है। हम वो सारी चीजें समझ रहे हैं जो इवेंचुअली हमारे आईन में आ जाएंगी। देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक एनलाइटनमेंट के फिलोसोफर थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू, और मॉन्टेस्क्यू ने यह कॉन्सेप्ट किया था कि पावर्स जो है गवर्नमेंट की सेपरेट होनी चाहिए, सेपरेट इदारों की फॉर्म में। उसकी वजह यह थी कि वो अब्यूज ऑफ पावर को चेक करना चाहते थे, अब्यूज, क्योंकि बादशाह उस टाइम पे काफी जो है वो ऑप्रेसिव होते थे, सारे पावर उनके पास होती थी, वो जो मर्जी कर लें और उनको कोई पूछने वाला नहीं होता था। तो ही कम्स अप विद द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, मॉन्टेस्क्यू, अ फ्रेंच फिलोसोफर। और उससे होता यह है कि किसी एक बंदे के हाथ में सारी पावर नहीं होती, पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। तो किस तरह डिवाइड कर दिया जाता है? जनरली एक एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेचर है, और एक जुडिकेचर है। क्या होगा? जो आपका लेजिस्लेचर है, थ्योरेटिकली सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, थ्योरेटिकली। उसकी वजह यह है कि आपका लेजिस्लेचर लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और लोग जो हैं डेमोक्रेसी में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लेजिस्लेचर थ्योरेटिकली सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपके कानून बनाता है, उन कानून को एग्जीक्यूटिव जो है आपकी हुकूमत या आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जैसे डिफरेंट इदारे होते हैं जिसमें लोग काम कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, कोई भी मिनरल्स का डिपार्टमेंट है, एनर्जी का डिपार्टमेंट, वो सब एग्जीक्यूटिव में आ जाता है। वो एग्जीक्यूट करते हैं लॉज को, गवर्नमेंट मशीनरी चलाते हैं। जो जुडिशरी होती है, या जुडिकेचर इसके एक्चुअल टर्म है, वो बस कानून को इंटरप्रेट करती है। इंटरप्रेट क्या है कि जो एक कानून फर्ज करें पास हो गया है कि किसी भी क्राइम पे ये सजा होगी, तो वो जो आपकी जुडिशरी है वो उस कानून की बेस पे जो है वो डिसीजंस दे देगी। ओके, तो अब देखें, ये जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि तीन, ठीक है, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब कोई भी एक बंदा जो है उसके हाथ में सारी नहीं हो सकती। अब देखें, एग्जीक्यूटिव का जो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो प्राइम मिनिस्टर है, लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट है, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट है, इन सारे इदारों में वो पावर वेस्ट करे। अब वो बात ठीक है जो साकिब ने लिखी है कि पार्लियामेंट्री में इतनी क्लियर सेपरेशन नहीं होती, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका प्राइम मिनिस्टर चूंकि लेजिस्लेचर से आ रहा है, तो वी कैन से कि एक
इंटरकनेक्टेडनेस भी है पार्लियामेंट्री सिस्टम में और प्योर सेपरेशन ऑफ पावर्स एग्जिस्ट नहीं करती। प्योर सेपरेशन ऑफ पावर्स अगर आपने देखनी है ना तो वो कुछ ना कुछ यूएसए में नजर आती है आपको, बिल्कुल वहां पर प्रेजिडेंशियल सिस्टम है, प्रेजिडेंट बिल्कुल अलग इलेक्ट होते हैं और ये जो है कांग्रेस बिल्कुल अलग इलेक्ट, ठीक है, ये सारी जो है वो उसकी थ्योरी है। अच्छा, अब पार्लियामेंट जो है वो आपके लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करती है, जुडिशरी जो है वो उसको इंटरप्रेट करती है। अब ये हमने देख लिया एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट, हमने देख लिया फेडरल सिस्टम क्या होता है, हमने देख लिया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। अब ये सारे का सारा कुछ हमारे आईन में भी आएगा। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में देख लेते हैं ताकि अब आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जिन लोगों को पाकिस्तान की हुकूमत का नहीं पता वो जो है वो थोड़ा सा देख लें। इस पीएम डायरेक्टली इन्फोर्स एनी लॉ बाय नो, देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आए हुए हैं, ठीक है, तो वो खुद जो है वो रूल ऑफ लॉ के तहत ही काम करते हैं, उनकी अपनी पावर्स हैं, उनका अपना एक मैंडेट है, ठीक। अच्छा, अब चीज क्या है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये हमारी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से मुराद क्या है कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से क्या मुराद है, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, जो हमारे सेंटर में सारे इदारे हैं, ये देख लें प्लीज, अवॉइड मैसेजिंग, अभी एक दफा ये समझ लें, ओके। सेंटर में हमारे एक है फेडरल गवर्नमेंट, ठीक, और एक है पार्लियामेंट। फेडरल गवर्नमेंट में हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है जो एग्जीक्यूटिव के वो हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके नीचे फेडरल कैबिनेट होती है और जो फेडरल कैबिनेट है वो आपने देखा होगा कि जो सारे डिसीजन मेकिंग हो रही होती है पाकिस्तान में वो कर रही होती है। ये स्ट्रक्चर एकदम समझ लें, बहुत से लोग आप में ये नहीं जानते होंगे, इससे नहीं वाकिफ होंगे। दूसरी चीज जो आपके फेडरेशन में है वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर एक प्रेसिडेंट है और बाकी लेजिस्लेचर है। ये चीज जहन में रखिएगा कि प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, कई लोग ये चीज कंफ्यूज होते हैं। तो आपके पार्लियामेंट के अंदर ये तीनों इदारे आते हैं, प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट, ये तीनों पार्लियामेंट का हिस्सा है, ओके, ये चीज जहन में रखना। जो प्रेसिडेंट है वो आपके हेड ऑफ स्टेट है और जो आपका पार्लियामेंट के जो दूसरे दो हिस्से हैं, एक नेशनल असेंबली और सेनेट जो हैं, वो लेजिस्लेचर हैं। ये चीज क्लियर होगी कि पार्लियामेंट के अंदर आपके प्रेसिडेंट हैं, पार्लियामेंट के अंदर ही आपके लेजिस्लेचर हैं। इसलिए कोई भी बिल जो पास होता है नेशनल असेंबली या सेनेट से वो एंड पे असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो ये तीनों एंटिटीज मिल के, हाँ नहीं, एमएनए प्रेसिडेंट नहीं होता वो, फिर एमएनए की आई थिंक सीट छोड़ देते हैं तब वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये आपकी पार्लियामेंट है, ये आपने नहीं भूलना है, ये एमसीक्यू भी आ जाता है कि पार्लियामेंट में कौन कौन होता है। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी होते हैं, नेशनल असेंबली भी होती है और सेनेट भी होता है। हमारा जो है वो बायकैमरल लेजिस्लेचर है। बायकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है कि जो हमारी कानून साज असेंबली है उसके दो हिस्से हैं, एक लोअर हाउस है जिसे नेशनल असेंबली कहते हैं, एक अपर हाउस है जिसे सेनेट कहते हैं। जो लोअर हाउस है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, वो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन है कि जिस सूबे की जितनी जो है वो पॉपुलेशन है उसके तहत उसमें उसको जो है रिप्रेजेंटेशन दे दी गई है। और जो अपर हाउस है उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों बायकैमरल है। उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इक्वल से मुराद ये है कि पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, सब की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। इसकी वजह क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है बायकैमरल लेजिस्लेचर का? बायकैमरल लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जो भी कानून पास करना है, आपने जो भी, इट्स पार्ट ऑफ फेडरेशन जुडिशरी, लेकिन ये मैं आपको ना कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जैसे आता है ना उस तरह बता रहा हूँ, इतना उसको कंफ्यूज ना करें, बस एक कंसेप्चुअली देखें इसको। अच्छा, अब देखें कि इससे होता क्या है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, एक मिनट जरा मैसेज नहीं लिखिएगा। देखें बायकैमरल क्या चीज होती है, आपने एक पार्लियामेंट बना दी, आप पार्लियामेंट क्या चीज है, एक असेंबली है, वो असेंबली में क्या होगा, 100 बंदा होगा, ठीक है, 150 है, 200 है, 300 है, कोई भी आपकी
जो है वो कानून साज असेंबली है, कोई भी आपकी कानून साज असेंबली है वो पूरे मुल्क के लिए जो है वो आइन बना रही है, ठीक है। अब प्लीज जरा चैट अवॉइड करें। अच्छा, कोई भी जो है वो आपके लिए आइन बना रही है आपके मुल्क के लिए। अब वो आइन सॉरी जो कानून बना रही है आपकी असेंबली, वो अगर सिंगल हाउस होगा वो कोई भी कानून बनाएगी वो पास हो जाएगी, लेकिन बाय कैमरल में क्या होता है कि आपके दो हाउसेज होते हैं और दोनों ने बिल को पास करना है तो वो कानून बनेगा। उसकी वजह ये है कि इसको दो हिस्सों क्यों ब्रेक डाउन किया जाता है, और एक में पॉपुलेशन बेस्ड, दूसरे में इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ताकि जिस सूबे की पॉपुलेशन कम है वो अब्यूज ना हो, उस पे उसको कोई ऑप्रेस ना करे। अगर कोई कानून फर्ज करें लोअर हाउस में, क्योंकि लोअर हाउस में पंजाब की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ऐसा कोई कानून पास हो जाता है जो कि कोई भी जो छोटा सूबा है पाकिस्तान का उसको नहीं पसंद, तो वो पास हो जाएगा क्योंकि उस छोटे सूबे की तो इतनी पावर ही नहीं होगी लोअर हाउस में। लेकिन जब वो अपर हाउस में आएगा, सेनेट में आएगा, तो सेनेट में सबकी इक्वल पावर होगी तो वो बिल रिजेक्ट हो सकता है। तो ये एक सिस्टम है जिसके अंदर छोटे सूबों की भी जो है वो पावर इक्वलाइज की जाती है, बट एट द सेम टाइम जो बड़े सूबे हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंट, उनको अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बेस्ड ऑन पॉपुलेशन भी दिया जाता है, क्योंकि दोनों असूल इंपॉर्टेंट है। जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन है उसको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, और डेमोक्रेसी में आप लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बट एट द सेम टाइम ये भी बड़ा जरूरी है कि कोई जो छोटा सूबा है उसको दूसरा कोई बड़ा सूबा ओप्रेस ना कर ले, और कोई ऐसा कानून ना पास हो जाए जो वहां के लोगों को नहीं पसंद। तो ये एक बैलेंस करता है, ये जो बायकैमरल सिस्टम है ये लॉ मेकिंग को बैलेंस करके चलता है, और इसमें पॉपुलेशन और इक्वल रिप्रेजेंटेशन का ये जो सिस्टम है लेके जाते हैं। ये एक फेडरल सिस्टम के साथ ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो उसको इंश्योर करता है फेडरलिज्म में, आपका सेनेट और आपकी नेशनल असेंबली, ताकि किसी भी सूबे के राइट्स जो हैं वो अब्यूज ना हो। फिर प्रोविंसेस में हमारे क्या सिस्टम है वो भी थोड़ा सा देख लें। सबसे पहले देखें प्रोविंसेस में उसी तरह एग्जीक्यूटिव भी है प्रोविंसेस में, ठीक है। फिर एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट भी हैं जो कि प्रेसिडेंट के आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि गवर्नर होते हैं। फिर उसी तरह लेजिस्लेचर है, लेकिन यहाँ पे बायकैमरल नहीं है, यूनिकैमरल है, प्रोविंशियल असेंबली। तो आपके एग्जीक्यूटिव में आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ जाती है, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आपके गवर्नर आ जाते हैं, और लेजिस्लेचर जो है वो आपका प्रोविंशियल असेंबली आ जाती है। पंजाब का जैसे आप देख लें वहां की जो एग्जीक्यूटिव है उसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर, और उनके नीचे जो है प्रोविंशियल कैबिनेट होती है। फिर लेजिस्लेचर एक ही हाउस है, प्रोविंशियल असेंबली है, जैसे पंजाब की पंजाब प्रोविंशियल असेंबली, और वो कानून बनाती है। और प्रेसिडेंट का आप एक जो रिप्लेसमेंट है वो आप देख सकते हैं, वो आप गवर्नर की फॉर्म में यहाँ पे मिलते हैं, जो कि नॉमिनल हेड होता है जो स्टेट रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोविंसेस में भी ऑलमोस्ट वही सिस्टम एक तरह का रेप्लिकेट हो रहा होता है। ये थोड़ा बहुत एक आपको मैंने ओवरव्यू दिया है, और अब हम एक्चुअली अपने जो है वो आइन पे आते हैं। अब आपके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझना एज अ कॉन्सेप्ट इतना इशू नहीं होना चाहिए, और एक दफा अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो बहुत बेहतर तरीके से जो है वो आप इसको समझ भी सकते हैं, लेके भी चल सकते हैं, और आपको इसकी थ्योरी समझ आ जाएगी तो फिर आपके लिए इतना इशू नहीं होगा। अब इसको लेके चलते हैं। देखें 1973 में पाकिस्तान में ये आइन आया है, इम्प्लीमेंट हुआ है, और आज तक जो है वो ये आइन इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। इसके जो है वो 12 पार्ट्स हैं, ये आपने नहीं भूला, 12 पार्ट्स हैं। 12 पार्ट्स से क्या मुराद है, पूरे आइन को 12 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया। उन 12 के 12 हिस्सों में डिफरेंट किस्म के जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट किस्म का जो हर पार्ट का एक मकसद है, और वो हम एक दफा समझेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू रिटेन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें पहला पार्ट क्या है, या पहला सेक्शन क्या है, उसको पार्ट ही कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी जुबान में, वो है इंट्रोडक्शन। मतलब इंट्रोडक्शन क्या चीज है, इंट्रोडक्शन से पहले प्रीएम्बल भी
होता है। लेकिन इंट्रोडक्शन क्या चीज है, पार्ट वन जो है इंट्रोडक्शन क्या चीज है, देखिए इंट्रोडक्शन के अंदर बस बताया जा रहा है कि किस किस्म का ये मुल्क है, मतलब ये क्या मुल्क है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसलिए इस किस्म की चीजें वो बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन ही है जो पाकिस्तान का आईन है उसका। कैसे, सबसे पहले उसमें बताया जाता है कि टाइप ऑफ स्टेट क्या है, ये पार्ट वन में मैं आपको बता दूं, एग्जैक्ट आर्टिकल्स में आपको नंबर्स नहीं बताऊंगा क्योंकि वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट है कि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ सके पूरे आईन का, उसके बाद आर्टिकल्स तो आप बाद में याद कर सकते हैं। लेकिन देखिए पहले जो बताया जाता है इंट्रोडक्शन में, जो पहला वैसा आर्टिकल है वो बताता है कि पाकिस्तान क्या स्टेट है, उसमें पाकिस्तान का बताया जाता है कि फेडरल स्टेट है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और उसकी कौन कौन सी टेरिटरीज हैं। तो पहले आर्टिकल में जो कि इंट्रोडक्शन में आ रहा है वो बताता है कि पाकिस्तान जो है वो एक फेडरल मुल्क है और उसमें कौन कौन सी टेरिटरीज आती हैं, क्योंकि आप शुरू में यही बताएंगे कि ये एक मुल्क है और इस मुल्क में कौन कौन सी टेरिटरीज आती हैं, तो ये बता दिया जाता है। फिर बता दिया जाता है कि पाकिस्तान एक फेडरल जो है वो एक मुल्क होगा, क्योंकि आप एक मुल्क के लिए आइन बना दें उसको डिफाइन करें, ये बता दिया जाता है। फिर जो सेकंड आपका आ जाता है आर्टिकल, और आई थिंक सेकंड ही है, उसमें पाकिस्तान का रिलीजन डिफाइन किया जाता है। और इसी तरह जो इंट्रोडक्शन है उसमें ओवरऑल जो है वो 6-7 ही आर्टिकल हैं, आई थिंक 6 आर्टिकल हैं इंट्रोडक्शन में, उसमें बेसिक इस तरह की चीजें बताई जाती हैं, किस किस्म की स्टेट है, क्या उसकी टेरिटरीज हैं, इस्लाम पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन होगा, और फिर एक 6th आर्टिकल जो है वो हाई ट्रीजन से रिलेटेड आ जाता है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोडक्शन में आ जाता है, यहाँ से जो है हमारा आइन शुरू होता है। फिर जो सेकेंड पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है पाकिस्तान के आइन का, दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। इंट्रोडक्शन करने के बाद कि ये किस किस्म का मुल्क है, इसमें कौन सा निज़ाम हुकूमत राइज है, कौन कौन सी टेरिटरीज हैं पाकिस्तान की, क्योंकि टेरिटरीज भी तो आपने डिफाइन करनी है ना कि एरिया कौन सा है, लिमिट्स कौन सी हैं, कौन से प्रोविंसेस हैं, उनके क्या नाम हैं, ये भी तो बताया जाता है, पाकिस्तान का क्या रिलीजन है, ये सब इंट्रोडक्शन में आ गया। फिर अगली चीज़ है फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, ये पार्ट टू है। अब इस पार्ट टू में दो हिस्से हैं इसके, एक तो फंडामेंटल राइट्स और दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। अब ये दो हिस्से हैं पार्ट टू के, पार्ट टू में बेसिक ये भी आप कह सकते हैं एक आप एक गाइडलाइंस हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि देखें पार्ट टू का जो पहला चैप्टर है वो है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स क्या चीज होती है कि बेसिक आपके बुनियादी हकूक इस मुल्क में क्या दे दिए गए। अब इसमें बहुत एक पूरी फहरिस्त है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं, पाकिस्तान के जो सिटीजन हैं, उनको क्या बुनियादी हकूक दिए जाते हैं और वो आइन के ही लेवल पे दे दिए गए हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आर्टिकल 25A है, राइट टू एजुकेशन है, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इस किस्म के पूरे पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को जो है फ्रीडम ऑफ लाइफ है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू फेयर ट्रायल है, कि ये सारे जो हैं आपके यहाँ पे रहने वाले लोगों को दे दिए जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने हाँ जनरल आइडिया याद रखें और कुछ आर्टिकल्स बस याद करें, बस एक फ्रेमवर्क आपको पता हो, मैं भी आपको फ्रेमवर्क ही बता दूं, वो आपको समझ आ जाएगी तो बड़ा इजीली आप लोग कर सकते हैं। इसमें सारे वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे लोगों को दिए गए हैं, पाकिस्तान के सिटीजन्स को दिए गए हैं। तो जब कोई कानून नया बनता है तो वो इसकी रोशनी में बनता है कि ये कानून हमने लोगों को दे दिए हैं, मतलब ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन ने ही लोगों को दे दिए हैं, तो इनको कोई जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता कि ये हम तो जी, जैसा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, यस आई विल शेयर दिस लेक्चर, जैसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, चाइल्ड लेबर नहीं होगी, इस किस्म की उसमें चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल इट्स सिमिलर टू बिल ऑफ राइट्स, तो ये ज़रूरी होता है कि यहाँ के लोगों को ये राइट्स दिए गए। पहले ज़मानों में ऐसे नहीं होता था, बादशाह जो मर्जी दिल में आए करे, या ये जो ऑटोक्रेटिक किस्म की
हुकूमतें होती हैं, मुल्क होते हैं, वहां पे तो जो मर्जी वो लोग अपने साथ करते हैं। नॉर्थ कोरिया वगैरह आप देख लें, तो पाकिस्तान के आइन में जो है वो सारे बुनियादी हकूक दिए गए हैं, राइट टू एजुकेशन है और इस तरह से। दूसरा हिस्सा जो आ जाता है चैप्टर टू का, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो है ना, ये कोई एज इट इज इसकी उस तरह से लीगल बाइंडिंग नहीं होती, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जनरल गाइडलाइंस हैं और ये बस एक मुल्क को एक डायरेक्शन देने के लिए हैं कि इस किस्म की जो है हम वो पॉलिसी मेकिंग करेंगे, एक कॉन्सेप्ट देने के लिए। तो इसमें डिफरेंट चीजें आ जाती हैं कि एक वेलफेयर स्टेट होगा, इस पाकिस्तान में सोशल इविल्स को रेडिकेट किया जाएगा, फिर जिस तरह आर्टिकल 40 है उसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान किस किस्म की फॉरन पॉलिसी फॉलो करेगा, मुस्लिम कंट्रीज से ब्रदरली रिलेशन बनाएगा। तो एक जनरल आपको एक गाइडलाइन दी जाती है इसमें, ठीक है, और कि पाकिस्तान के क्या गोल्स होंगे, सोशल गोल्स क्या होंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में ये। अब आप देखें ना कि इंट्रोडक्शन के बाद एक ये और इंट्रोडक्शन से एक स्टेप आगे की चीज है कि आपने फंडामेंटल राइट्स डिफाइन कर दिए और साथ ही आपने एक जनरल गाइडलाइन भी दे दी कि पाकिस्तान में किस किस्म की पॉलिसीज फॉलो की जाएंगी। ये जब दो पार्ट्स हो जाते हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान का प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो शुरू होता है, पहले दो पार्ट्स के बाद, कि पाकिस्तान का जो एक्चुअल पॉलिटिकल सिस्टम है, पाकिस्तान का जो निज़ाम हुकूमत है वो यहाँ से शुरू होता है और वो जो है फिर यहाँ से डिफाइन होता है। और पार्ट पार्ट थ्री देखें अब आप, पार्ट थ्री क्या है, जो तीसरा पार्ट है उसका नाम है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। और इसमें बयान किया जाता है कि पाकिस्तान का जो सेंटर है, जो पाकिस्तान की फेडरेशन है उसका जो सेंटर है उसमें क्या क्या आता है। और उसमें सबसे पहले चैप्टर है प्रेसिडेंट, फिर चैप्टर है पार्लियामेंट, फिर चैप्टर है फेडरल गवर्नमेंट, मतलब वो सारी एंटिटीज हैं, ये वो सारी एंटिटीज हैं जो के सेंटर में मौजूद हैं। और उसमें आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट भी सेंटर में मौजूद होता है, पार्लियामेंट भी सेंटर में मौजूद होती है, फेडरल गवर्नमेंट भी सेंटर में मौजूद होती है। तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के जो सारे डिफरेंट चीजें हैं उसमें बयान की जाती हैं, वो जो सारी चीजें हैं कि इस सूबे की कितनी सीटें होंगी पार्लियामेंट में और दूसरे सूबे की कितनी सीटें होंगी वो इसमें बयान किया जाता है। फिर प्राइम मिनिस्टर की पावर्स इसमें डिफाइन की जाती हैं, वो सारे जो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो चीजें इश्यूज हैं कि इलेक्शन होंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होगा, उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स, वो सारा कुछ इसमें आ जाए। सेंटर से मुराद है कि जो पाकिस्तान की नेशनल गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान का सेंट्रल स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए ना, एक सेंटर है, एक सेंटर है और फिर आपके प्रोविंसेस हैं, उसमें पंजाब आ गया, उसमें सिंध आ गया, उसमें बलूचिस्तान आ गया। तो ये हम बात करें कि सेंट्रल कौन से इदारे होंगे, सेंट्रल बीच में, उसको आइन में हमारे कहा जाता है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, और उसमें इन सबको डिफाइन कर जाता है। उसमें प्रेसिडेंट का भी बताया जाता है, इलेक्शन का क्या प्रोसीजर होगा, क्या एज रिक्वायर्ड है, पार्लियामेंट के अंदर सेनेट और नेशनल असेंबली का दोनों का बयान किया जाता है। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल मकसद नहीं है, मकसद हम लोगों का ओवरऑल समझना जो है वो जरूरी है। फिर जो अगला पार्ट है आइन का, अब देखे ना, ये पूरा एक फेडरल सिस्टम बयान कर रहा है हमारा आइन। जो हमने फेडरल सिस्टम की बात की थी वो हमारे आइन के थ्रू हमारे मुल्क को मिल रहा है। ये चीज आप जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि एक तो फेडरल सिस्टम हमारा आइन जो है वो डिफाइन कर रहा है, दूसरा हमारा आइन जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स भी डिफाइन कर रहा है। तो ये सारा का सारा कुछ आइन में आ रहा है। दूसरा जो पार्ट है उसके बाद जो आता है पार्ट फोर जो है वो है प्रोविंसेस। तो आप देखें कि पहले उसने सेंटर को डिफाइन किया, फिर आइन ने हमारे प्रोविंसेस को डिफाइन किया कि वो क्या चीज होगी, प्रोविंसेस में क्या होगा। क्योंकि एक फेडरल सिस्टम है, पावर जो है वो सेंटर और प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, तो पहले उसने सेंटर को डिफाइन किया, फिर जो है उसने प्रोविंसेस को डिफाइन किया, राइट। अब प्रोविंसेस में क्या आ जाता है, देखिए प्रोविंसेस में गवर्नर आ जाता है, जैसे हमने बात की, ये स्टेट को रिप्रेजेंटेटिव होता है। फिर प्रोविंशियल असेंबलीज आ जाती हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ जाती है। तो आपका आइन यहाँ पे बताता है कि गवर्नर का क्या रोल होगा, प्रोविंशियल असेंबलीज का क्या रोल होगा, चीफ मिनिस्टर का क्या रोल होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का क्या रोल होगा। एज इट इज जैसे उसने सेंटर में डिफाइन किया, ऐसे एज इट इज उसने प्रोविंसेस में डिफाइन किया।
इसके बाद ये पार्ट फोर के बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक चीज आ जाती है दैट इज सेंटर प्रोविंस रिलेशंस पार्ट फाइव. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस गवर्नर इज नॉमिनल इज नॉमिनल, लेकिन जिस तरह बिल्स वगैरह होते हैं वो असेंट के लिए जाते हैं. ये पूरा उसी किस्म का निजाम होता है जैसे कि सेंटर में होता है. पार्ट फाइव बहुत इंपॉर्टेंट है. पार्ट फाइव जो है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, मैं आपको बता देता हूँ. देखें प्रोविंशियल असेंबली जो है वो प्रोविंस की पार्लियामेंट है. ये वो असेंबली है, ये वो असेंबली है जो कि आपके प्रोविंस के लिए कानून बना रही है. जैसे पंजाब असेंबली है, पंजाब असेंबली जो है वो पंजाब के लिए कानून बनाती है. बलूचिस्तान असेंबली जो है वो बलूचिस्तान के लिए कानून बनाती है. सिंध असेंबली जो है वो सिंध के लिए कानून बनाती है. ये सारी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं. प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या होती है? हुकूमत. जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट में सबसे ऊपर कौन आ जाते हैं? चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार हैं. सिंध गवर्नमेंट है उसमें सबसे ऊपर कौन आ जाते हैं? चीफ मिनिस्टर हैं, मुराद सईद हैं. इस तरह से जो है वो आपका सिस्टम चलता है. एक होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसी तरह आपकी जो है वो गवर्नमेंट होगी, एक आपकी असेंबली होगी, एक आपके गवर्नर होंगे. गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट की तरह नॉमिनल ही होंगे. तो एग्जैक्ट वही सिस्टम जो है वो प्रोविंस में होगा. उसके बाद लेकिन जो पार्ट फाइव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक फेडरल निज़ाम में, एक वफाकी निज़ाम में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. जैसे हमने बात की थी कि फेडरल सिस्टम में सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में पावर्स डिवाइडेड होती हैं, तो वो कहाँ पे आएगा? वो कौन बताएगा कि कौन सी पावर्स किधर गई? मतलब सेंटर के पास कौन सी पावर्स होंगी, प्रोविंसेस के पास कौन सी पावर होंगी? तो वो सारी की सारी पार्ट फाइव में आती है. ये बहुत जरूरी है और ये आपने जहन में रखना है. पार्ट फाइव, उसका नाम भी ये रिलेशंस बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ये उसने बताया सेंटर, ये उसने बताया प्रोविंस, एंड नेक्स्ट दोनों के कॉम्बिनेशन से अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज है सेंटर प्रोविंस रिलेशंस, ये पार्ट फाइव में आता है. इसलिए पार्ट फाइव बहुत जरूरी है क्योंकि वो एक फेडरेशन की एक्चुअल जो सोल है उसको डिफाइन कर रहा है. पार्ट फाइव रिलेशंस बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस कि किस तरह से पावर्स डिवाइड होंगे. इसमें चैप्टर वन जो है वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ही सारी कोर है. और 18th अमेंडमेंट में आके इसके अंदर ही अमेंडमेंट हुई थी, तो जो कंकरेंट लिस्ट है उसको एबॉलिश किया गया. इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो आपके मुल्क की लेजिस्लेटिव पावर्स हैं और उन्हीं के साथ लिंक्ड होती हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स, कि जो इदारे के जो पावर्स आप दे देते हैं फिर उनके लिए लेजिस्लेट भी आप करते हैं और उनके आप एग्जीक्यूटिव इदारे भी रन करते हैं. तो ये हिस्सा बता रहा है कि सेंटर के पास कौन से होंगे और प्रोविंस के पास कौन से इख्तियारात होंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसमें जो है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है अब, और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के दो हिस्से हैं, पार्ट वन है, पार्ट टू है. और कॉन्करेंट लिस्ट कोई नहीं. पहले क्या होता था कि देखें कुछ जो पावर्स थी कुछ इश्यूज को सेंटर को दे दिया जाता था. अननेसेसरी होगा अनलेस आप कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा क्वेश्चन कर रहे हो, ये बहुत बड़ा चार्ट है. ठीक है, पहले क्या होता था कि कुछ पावर्स सेंटर के पास थी, कुछ पावर्स प्रोविंस के पास थी, और कुछ पावर्स ऐसी होती हैं जो कि दोनों को कुछ ना कुछ इख्तियार देना जरूरी होता है. उनको कहते हैं कॉन्करेंट पावर्स, कि सेंटर का भी उसका कंसर्न है और प्रोविंस का भी उसका कंसर्न है. कई ऐसे इश्यूज होते हैं जो दोनों के कंसर्न होते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इस तरह के दोनों के कंसर्न होते हैं. वो कॉन्करेंट लिस्ट होती है. और अब लेकिन क्या हुआ है कि कॉन्करेंट लिस्ट अबॉलिश हो गई है और अब बस फेडरल की पावर्स डिफाइन कर दी गई हैं और सारी रेजिडरी पावर्स. रेजिडरी पावर से मुराद क्या है कि जो चीज़ें आपने बता दी हैं वो तो बता दी हैं, लेकिन जो नहीं बताई वो कहाँ गई पावर्स, वो सारी की सारी प्रोविंसेस के पास चली गई. ये पोस्ट 18th अमेंडमेंट की एक सूरत हाल है. ठीक है, ये पोस्ट उसकी बात है. सारी की सारी पावर्स अब प्रोविंसेस के पास जा चुकी हैं. और ये भी इतना ही बेसिक समझें,
ये सारा पार्ट फाइव में आता है। फिर देखें चैप्टर टू है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, बताता है कि सेंट्रल प्रोविंस के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। और फिर चैप्टर थ्री बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पेशल प्रोविजंस के, कुछ ऐसे इदारे बना दिए गए हैं जो कि सेंट्रल प्रोविंस के रिलेशन को रेगुलेट करेंगे ताकि इश्यूज ना हो, जैसे CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, और NEC, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। अब ये क्या करता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कि कई ऐसे इश्यूज हैं जैसे जो कॉन्करेंट, जैसे कि कॉन्करेंट इश्यूज होते हैं, जैसे कि पानी का मसला है, वो सेंटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रोविंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो उन इश्यूज पे डिबेट करता है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कौन आ जाते हैं, उसमें आपके सेंटर के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और प्रोविंस के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो मिलके उसके ऊपर जो है वो डिसाइड करते हैं पॉलिसी। जैसे कि पाकिस्तान के पानी का इशू था, तो पाकिस्तान में वाटर चार्टर आया 2018 में, वाटर चार्टर, और उस पे सारे के सारे चीफ मिनिस्टर्स ने साइन किया और पाकिस्तान की पहली वाटर पॉलिसी भी आई। तो CCI के एम्बिट के अंदर जो है, CCI के एम्बिट के अंदर वो आती है, ठीक है। और ये फेडरल प्रोविंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फेडरल फेडरल सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन, इसलिए चैप्टर फाइव बड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉरी पार्ट फाइव। उसके अंदर ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन बोथ, क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट फाइव है। और अगली चीज ये है, नेक्स्ट चीज ये है कि पार्ट सिक्स, पार्ट सिक्स इज रिलेटेड टू फाइनेंसेस। फाइनेंसेस भी बहुत जरूरी है, मुल्क के जो रेवेन्यूज होते हैं, जो वो पैसा होता है, उसके बारे में भी बताना बहुत जरूरी होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंस कमीशन, एक इदारा है नेशनल फाइनेंस कमीशन, और ये NFC भी से कहा जाता है। और NFC जो है उसी तरह पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। पैसों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, पहले तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होती है NFC के सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में, कितना कितना शेयर आएगा, और जब शेयर आ जाएगा, ठीक है, तो वो प्रोविंसेस के बीच में कैसे डिवाइड होगा। तो NFC भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, NFC, और ये आपके पार्ट सिक्स में आ राइट। अब देखें यहां पे हमने अपना वो खत्म कर लिया कि फेडरेशन होगी, उस प्रोविंसेस होंगे, उनके आपस में रिलेशन कैसे होंगे, और फिर फाइनेंसेस कैसे डिवाइड होंगे। फिर पार्ट सेवन आता है एंड दैट इज जुडिकेचर। पार्ट सेवन में पूरे का पूरा आपका जुडिशियल सिस्टम जो है, जुडिशियल सिस्टम पार्ट सेवन में वो बताया जाता है। पार्ट सेवन में आपका जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है। और NFC को अवार्ड क्यों कहा जाता है, देखें NFC अवार्ड, नेशनल फाइनेंस कमीशन एक इदारा है, नेशनल फाइनेंस कमीशन एक इदारा है, वो एक अवार्ड करता है। अवार्ड जैसे रेड क्लिफ अवार्ड था ना, अवार्ड से मुराद क्या होता है कि उनकी एक रिपोर्ट आ गई है, उन्होंने एक चीज अवार्ड की है कि किस सूबे का कितना शेयर होगा, सेंटर का कितना शेयर होगा, प्रोविंस का कितना शेयर होगा। ये हर 5 साल बाद जिस तरह से मीटिंग होती है उसमें अवार्ड आता है। सेवंथ जो NFC अवार्ड था 2010 में आया था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसमें पूरा क्राइटेरिया चेंज हो गया था। वो NFC का एक पूरा अलग टॉपिक है, इस वक्त हम बस मलिया आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में से नंबर लेके। अच्छा, अब आगे चलते हैं, देखें फिर पार्ट सेवन जो है वो है जुडिकेचर। क्या चीज होती है आपकी जुडिशियरी, तो पूरा एक पार्ट है जिसको डेडिकेटेड है। उसमें पहले बताया जाता है चैप्टर वन में कौन सी कोर्ट्स होंगी पाकिस्तान में। जाहिर है हमारा जो कोर्ट्स का निजाम है वो भी तो किसी ने बताना है, तो वो जुडिकेचर का पहला चैप्टर बताता है, दूसरा चैप्टर सुप्रीम कोर्ट की पावर्स बताता है, तीसरा चैप्टर जो है वो बताता है कि हर सूबे में एक हाई कोर्ट होगी, पूरे मुल्क की जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट होगी। तो ये आपके पार्ट सेवन में आ जाता है, ये भी बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे एट द सेम टाइम जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला कॉन्सेप्ट भी एम्बेडेड है पूरे के पूरे आइन में। सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला कॉन्सेप्ट कैसे एम्बेडेड है, क्योंकि हमने देखा कि फेडरेशन सेंटर दो चीजें एट द सेम टाइम हो रही है। एक तो फेडरल सिस्टम इस पूरे आइन में आ रहा है, और इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला भी एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है।
अब ये जुडिशरी को डिफाइन करने के बाद पार्ट एट है जो इलेक्शंस के बारे में बताते हैं। अब देखिए सारे वो इश्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो यहां से डिस्कस हो रहे हैं। और देखिए पार्ट एट इलेक्शन, इलेक्शन बहुत जरूरी है आइन के लेवल पे समझने के लिए, क्योंकि उसकी वजह ये है। इलेक्शन क्यों इतना जरूरी है, देखें आज तक हिस्ट्री में सबसे बड़ा इशू क्या होता रहा है, मुगल्स की अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि एक बादशाह जो है जब वो वफात पा जाता था तो होता क्या था कि उसके बेटे जो हैं वो आपस में जंग लड़ते थे अगला बादशाह बनने के लिए। आपने देखा शाहजहां थे, उनका बेटा था दादा शिकोह, उनकी जंग हुई औरंगजेब के साथ, औरंगजेब एंड पे बन गए, औरंगजेब की डेथ हुई, उनके बेटे थे उन्होंने आपस में लड़े। ये पूरी हिस्ट्री इस तरह से भरी हुई है कि हर बादशाह के बच्चे आपस में वॉर ऑफ सक्सेशन करते हैं। उससे होता क्या है कि आपके पास कोई निजाम नहीं है ट्रांसफर ऑफ पावर। ये भी कॉन्सेप्ट है कि एक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर कैसी होगी, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। तो ये एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जो कि आपके आईन में आना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ पावर। कि अगर एक प्रेसिडेंट आया, फर्स्ट करें एक प्रेसिडेंट आया है आपके मुल्क का, प्रेसिडेंट बन गया, फर्स्ट करें प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, एक प्रेसिडेंट आ गया, अब वो प्रेसिडेंट जो है उसके 5 साल पूरे हो गए हैं और वो कहता है मैंने नहीं जाना, तो वो क्या करेंगे आप डोनाल्ड ट्रंप की एग्जाम्पल देखें। डोनाल्ड ट्रंप का कोई इरादा था छोड़ने का पावर, आप लोगों ने देखा था डोनाल्ड ट्रंप हैड नो इंटेंशन ऑफ लीविंग प्रेसिडेंसी, इजंट दैट करेक्ट? ठीक है, तो ये जो इलेक्शंस का सिस्टम होता है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पे इसलिए डिफाइन किया जाता है ताकि पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो सके। एक ऐसा इदारा बना दिया जाए जो कि ये मेक श्योर करे कि पावर एक पार्टी से या एक बंदे से, ठीक है, आगे ट्रांसफर हो। ठीक है ना, ये बड़ा जरूरी है कि ट्रांसफर ऑफ पावर भी पीसफुल हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पर डिफाइन किया जा रहा है। इस इदारे को अवॉइड ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या इलेक्शन कमीशन किसी भी मुल्क का वो एक इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ट्रांसफर ऑफ पावर पीसफुल हो, क्योंकि ये पाकिस्तान पूरी इंसान की हिस्ट्री में ऐसे नहीं होता कि ट्रांसफर ऑफ पावर आज तक पीसफुल हुई हो। हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं आ गया हूँ, अब अशरफ गनी की एग्जाम्पल देखें, वो कल शाम तक कह रहे थे कि अभी भी हम कुछ करेंगे, ठीक है, नो वन वॉन्ट्स टू रिलिंक्विश पावर, दैट इज हाउ पावर इज। सो देर इज अ सिस्टम इन प्लेस विच इंश्योर्स ट्रांसफर ऑफ पावर पीसफुली, कि हर 5 साल बाद जंग ना हो रही हो, वॉर ऑफ सक्सेशन ना हो रही हो। तो इलेक्शंस जो हैं वो इसलिए जरूरी है। ये पार्ट एट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाता है, इसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, उसकी पावर्स को डिफाइन करते हैं और फिर कि वो इलेक्ट कैसे होंगे, क्योंकि देखें ये भी तो एक इशू है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूरा इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, तो ये भी डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि उनको कैसे रखा जाएगा, क्योंकि हो सकता है एक पार्टी कहे उनके कि ये जी दूसरों को फेवर कर रहे हैं, दूसरा कहे कि ये इनको फेवर कर रहे हैं, तो वो दोनों को बैलेंस करने के लिए फिर इसके अंदर जो है वो एक पूरा सिस्टम बताया जाता है कि कैसे इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होंगे, ये एक चीज आ जाती है। फिर पार्ट 9 इज इस्लामिक प्रोविजंस। पार्ट 9 में जो है वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को इस्टेब्लिश किया जाता है, और ये एक इदारा है जो कि इस्लामिक प्रोविजंस को देखता है, ये पार्ट 9 है। फिर पार्ट 10 जो है वो भी बड़ा जरूरी है, पार्ट 10 है इमरजेंसी प्रोविजंस। अब देखें एक मुल्क है उसके अंदर खुदा ना खास्ता किसी भी वक्त कोई हंगामी हालात पैदा हो सकते हैं, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है, कोई वॉर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ सिस्टम के जिसके तहत जो है वो इमरजेंसी नाफिज की जा सके, राइट? हाँ, डिजास्टर हो सकता है वकार, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा सिस्टम जरूरी है कि जिसके तहत इमरजेंसी नाफिज की जा सके। जब इमरजेंसी होती है तो आपको स्विफ्ट पावर्स चाहिए होती हैं, आपको स्विफ्ट कंट्रोल चाहिए होता है, क्योंकि देखें जब एक
काफी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, क्रिटिकल सिचुएशन होती है, यू नीड अ लॉट ऑफ कंट्रोल। आपको एकदम बर वक्त कंट्रोल चाहिए होता है ताकि आप इफेक्टिव एक्शन ले सके। तो इमरजेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इमरजेंसी प्रोविजंस बड़े जरूरी होती है ताकि आपको अगर ऐसी कोई सूरत हाल मुल्क में आ जाती है तो फिर जो है वो आप उसको डील कर सकें। ठीक, इसके अंदर बताया जाता है कि वो क्या सिस्टम होगा जिसके तहत इमरजेंसी नाफिज होगी और वो पार्लियामेंट से पास होगा अगर नेशनल है, फिर अगर वो प्रोविंशियल उसमें कोई इमरजेंसी नाफिज हो रही है तो वहां की असेंबली पास करेगी। इवेंचुअली जो फाइनल राइट है वो पार्लियामेंट्स को दिया गया है, लेजिस्लेचर को दिया गया है इमरजेंसी के केस में। अगली चीज है अमेंडमेंट पार्ट 11 में, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए दुनिया बदलती रहती है, हालात बदलते रहते हैं और आपको अपने आईन में किसी ना किसी सिचुएशन में, हाँ आप सही कह रहे हैं साकिब, लेकिन हम तो थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं कि ये चीजें जरूरी क्यों होती हैं। ये चीजें जरूरी भी होती हैं, एक आईन को आपने मल्टीपल पर्सपेक्टिव से बिल्ड किया हुआ। पार्ट 11 जो है वो है अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट भी बहुत जरूरी है। देखें वक्त तब्दील होता है, आपको नई नई सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं, तो आपने आईन को तब्दील भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है। ठीक है, आईन को तब्दील भी करना पड़ता है, उसकी वजह यह है कि यू डोंट नो कि कल को क्या सूरत हाल होगी, तो आपने ऐसा कोई प्रोसीजर भी डिफाइन करना है जिसके तहत आप आईन को तब्दील कर सकें। अच्छा, इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। एक चीज के आईन को तब्दील करना बहुत आसान भी नहीं होना चाहिए कि हर दूसरे दिन तब्दील हो रहा हो, वरना आईन की वैल्यू नहीं रहेगी, और आईन को तब्दील करना इतना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए कि वो तब्दील ही ना हो सके। इस कि आपका आईन कितना रिजिड है, राइट? अगर वो बहुत रिजिड होगा तो इसका मतलब है कि उसको अमेंड करना इतना आसान नहीं है। अगर उसको बहुत जो है वो अमेंड करना आसान होगा तो वो रिजिड नहीं होगा। ये एक बैलेंस बहुत जरूरी है। बैलेंस इसलिए जरूरी है, ये समझें आप पॉलिटिकल साइंस वाले भी खास तौर पे, कि अगर फर्स्ट करें सिंपल मेजोरिटी आइन को चेंज कर सकती हो। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है कि अगर आपके पार्लियामेंट में 100 लोग बैठे हुए हैं तो 50 लोगों ने अगर वोट पास कर दी है तो वो पास हो जाएगा, ये सिंपल मेजोरिटी कहलाती है, आधे लोगों ने कर दिया। अगर इतना आसान हो आइन को, फर्स्ट करें थ्योरेटिकली सोचें कि इतना आसान हो आइन को तब्दील करना, कल को खुदा ना खास्ता कोई आ जाता है, ठीक है, कोई आ जाता है, सही है, तो वो क्या होगा? होगा ये कि वो आके कहते हैं कि इस्लाम तो पाकिस्तान का रिलीजन ही नहीं होगा। फर्ज करेंगे वो ये कह देता है तो आपका आइन एंड हो गया, तो अब इस्लाम का रिलीजन नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे आइन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एक मिनट में इस तरह आप नहीं करा सकते अमेंड, ठीक है। इसलिए वो आपने इस तरह से रखना होता है सिस्टम के एक इनफ जो है वो उसमें चेक्स एंड बैलेंसेज हो। इसलिए पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए होती है। 2/3 मेजॉरिटी आपको क्यों चाहिए होती है? देखें 2/3 मेजॉरिटी का मतलब यह है कि आपके 75% लोग जो हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए वो ये कहें कि यस हम इसको अमेंड करना चाहते हैं। दोनों में 2/3, नेशनल असेंबली भी और सेनेट में भी 2/3, और फिर जाके आइन अमेंड हो। अब आप देखें उसकी एग्जाम्पल देख लें, 25th अमेंडमेंट एक ऐसी सिचुएशन थी, हमने फाटा को केपीके के साथ मर्ज करना था, सबका कंसेंसस था, वो पास हो गया, फाटा जो है वो केपीके के साथ मर्ज हो गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज होती है आपके आइन के लिए, और ये भी होता है। यूएस का देख लें, यूएस का बहुत मुश्किल है अमेंड करना, बहुत ही रिजिड है उनका। क्या है कि उनकी एक तो असेंबली 2/3 से पास करें, फिर उनके 3/4 ऑफ द स्टेट्स भी पास करें, 3/4 ऑफ द स्टेट्स भी उसको रेटिफाई करें, तो वो बड़ा मुश्किल है वहां पे अमेंडमेंट करना। इसलिए आप देख लें कि वहां पे 200 उनकी साल की हिस्ट्री है, उसमें एग्जैक्टली 20s में कुछ समथिंग उनकी भी अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये जो है वो बड़ा एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात नहीं है, बस शुरू में उन्होंने एक सिस्टम बना लिया, इसका प्रेसिडेंशियल सिस्टम से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक जो है उनके एक निजाम से है, ठीक है, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है प्रेसिडेंशियल सिस्टम से। तो वो बड़ा एक रिजिड सिस्टम है, पाकिस्तान में 2/3 हो तो वो कर सकते हैं आप पूरा सिस्टम चेंज कर सकते हैं, तो अमेंडमेंट भी बहुत जरूरी। आखिरी चीज है मिसलिनियस पार्ट 12 जो है, और पार्ट 12 में जो है वो डिफरेंट स्केजुअल्स हैं, लिस्ट होती हैं, एनेक्सर्स होते हैं,
ओथ्स हैं, इस किस्म की चीजें बाद में आ जाती हैं, तो वो डायरेक्टली तो उससे लिंक नहीं होती, बट वो एक सपोर्टिंग मटीरियल होता है, ठीक है। जुडिशरी इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, वो एक बहुत लंबा टॉपिक है और उसमें इस वक्त जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह जो है वो हमारा जो है वो आइन का एक स्ट्रक्चर जो है वो हमें समझ में आया। मैं आपको एक रिपीट एक दफा कर देता हूँ ताकि आप लोग, लास्ट वन इज नथिंग इज जस्ट मिसलिनियस, इसमें डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, वो कोई डायरेक्ट उसका उस तरह से लिंक नहीं है। उसमें आ जाती हैं स्केजुअल्स हैं, कुछ एनेक्स्चर्स हैं और ओथ्स वगैरह हैं, तो सपोर्टिंग मटेरियल आप कह सकते हैं, तो उसको बस आप इतना ही सोचें। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ जो लोग पहली दफा सुन रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के आइन के 12 पार्ट्स हैं और 12 के 12 पार्ट्स कुछ डिफरेंट जो हैं वो फंक्शन प्ले कर रहे हैं, ठीक है, और वो एक पूरा कॉन्सेप्ट एम्बेड कर रहे हैं। डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट हैं इसमें, फेडरल सिस्टम इसमें आ रहा है, दूसरी चीज ये है कि इसमें आ रहा है आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स आ रहा है, इसमें इस्लाम का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसमें ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट आ रहे हैं और इसमें जो है और भी इस किस्म के, यस कॉन्करेंट लिस्ट, वो सारा कुछ जो है वो पार्ट 5 में आता है, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, देखें पार्ट 1 हमारा इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन में बेसिक जो है उस मुल्क का बताया जाता है, किस किस्म की स्टेट हैं, क्या टेरिटरीज हैं, रिलीजन क्या होगा। दूसरा पार्ट जो है, पार्ट 2 जो है, वो फंडामेंटल राइट्स प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है कि पाकिस्तान के सिटीजन्स के बुनियादी हकूक क्या होंगे और एक बेसिक गाइडलाइंस के हम मुल्क को कैसे लेके चलेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी कुछ भी नहीं है, जनरल गाइडलाइंस हैं, आप वो खोल के देखेंगे आपको समझ आ जाएंगी। पाकिस्तान में सोशल ईवल्स को इरेडिकेट किया जाएगा, पाकिस्तान में किस किस्म की फॉरेन पॉलिसी की जाएगी, डेवोल्यूशन ऑफ पावर की जाएगी, माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, मतलब जनरल प्रिंसिपल्स हैं। दूसरी हर जी कॉन्स्टिट्यूशन के जनरल स्ट्रक्चर ऐसी होते हैं, इसी किस्म के इश्यूज को डील किया जाता है। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, वो इतना सिंपल है, 7 आर्टिकल्स हैं, वही 7 आर्टिकल्स ही 7 चैप्टर्स हैं, उसमें कुछ और है ही नहीं, इतना वो छोटा है। दूसरी फिर आ जाता है पार्ट 3, यहाँ से हमारा फेडरल सिस्टम शुरू होता है कि फेडरल स्ट्रक्चर कैसे होगा। पार्ट 3 में सबसे पहले फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, मतलब सेंटर के जो इदारे हैं उनको बताया जाता है। सेंटर के इदारों को बताने के बाद पार्ट 4 में प्रोविंसेस को बताया जाता है और फिर पार्ट 5। तो ये बड़ा जरूरी है देखना कि सेंटर, प्रोविंस और फिर उनका रिलेशन, इस तरह से आपने याद रखना। पार्ट 3 इज सेंटर, पार्ट 4 इज प्रोविंसेस एंड पार्ट 5 इज देयर रिलेशन। फिर पार्ट 6 में पैसों के बारे में बताया जाता है, फाइनेंसिस के बारे में बताया जाता है, तो इसमें NFC अवार्ड आ जाता है। पार्ट 7 में हमारी जुडिशरी को एस्टैब्लिश किया जाता है, जुडिकेचर जिसे कहा जाता है उसका वर्ड जो है। और फिर पार्ट 8 में इलेक्शंस और पावर की ट्रांसफर का सिस्टम बताया जाता है। पार्ट 9 में इस्लामिक प्रोविजंस हैं, पार्ट 10 में इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, पार्ट 11 में अमेंडमेंट है, पार्ट 12 में जो है वो सपोर्टिंग मटीरियल है जो कि मिसलिनियस है। क्या आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ है? जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रटे मारने की इसकी जरूरत नहीं है आप लोगों को, एक दफा समझ आ जाए आप लोगों को तो आई थिंक कुछ आर्टिकल्स भी अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत, नहीं सारे कॉन्स्टिट्यूशन के 12 पार्ट्स नहीं है, ये सिर्फ इसी के हैं। जो आपने चीजें याद करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल 1 याद रखें, उसमें पाकिस्तान की टेरिटरीज के बारे में बताया जा रहा है, पाकिस्तान का फेडरल सिस्टम बताया जा रहा है, ठीक है। फिर कुछ आपने फंडामेंटल राइट्स याद करने हैं पाकिस्तान के, आर्टिकल 6 याद रखिएगा और आर्टिकल 6 इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 2 याद रखें पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तान का उसमें रिलीजन बताया जा रहा है। आर्टिकल 2A जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई थिंक है। और फिर जो है फंडामेंटल राइट्स में मैं आपको बताता हूँ, आर्टिकल 40 याद रखें, फंडामेंटल राइट नहीं, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है और वो आप कोट करें फॉरेन पॉलिसी वाले चैप्टर में, सॉरी क्वेश्चन में। फिर कुछ राइट्स याद करने हैं आपने, आर्टिकल 25A याद रखें, अभी तो मुझे सही याद नहीं है, मैं रफली जो मुझे याद है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आर्टिकल 25A है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, 18th अमेंडमेंट में आया है। आर्टिकल 19 है आई गेस, और
आपसे क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, और पाकिस्तान इस पॉलिटिकल सिस्टम में आप कौन सी रिकमेंडेशंस देते हैं, कामयाब रहा है, कामयाब नहीं रहा, ये सारा कुछ इसमें आ सकता है। तो ये आपको समझ आ जाएगा तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट्स भी बता सकते हैं। जी, ये राइट ऑफ इंफॉर्मेशन 19A इन्होंने बताया है, फिर राइट टू फेयर ट्रायल वाला याद रखें, राइट टू लाइफ वाला याद रखें, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पे भी आ सकता है। आर्टिकल्स मुझे भी ऑन टॉप ऑफ माई हेड याद नहीं है ना वो, वरना मैं आपको देख के बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में से कुछ याद कर लें, आर्टिकल 40 बताया मैंने, बाकी देख लें कुछ जो कि आपको आर्गुमेंट करने में आसानी होंगे, ठीक है। फिर जो इंपॉर्टेंट आपने याद करने हैं ना, वो ये वाले करने हैं, CCI, ये बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, उसका आर्टिकल याद करें, नेशनल फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल याद करें, फिर ये जुडिशरी के आर्टिकल्स हैं जो कि सू मोटो पावर्स आती हैं जिससे जो उनकी जुरिस्डिक्शन डिफाइन होती है, आर्टिकल 183 है गालबन, या 180 है, इस किस्म 1843 है, वो प्लीज देख लीजिएगा, 184 और सेक्शन उसका पार्ट आई थिंक सब क्लॉज 3 है, इस किस्म के आप याद करें। और फिर जो है वो एक दो इस्लामिक प्रोविजंस के भी याद रखें, आर्टिकल एग्जैक्ट उनकी लिस्ट मैं कोई बना के मैं आपको भेज दूंगा जो कि आप आर्ग्यू करने में यूज कर सकते हैं। ये बड़ा जरूरी है कि वो आप आर्ग्यूमेंट्स में यूज कर सकें, ठीक है, और इनको अपने डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज करें और अपने आंसर्स में यूज करें, लेकिन बात यह कि पहले आप उसको कॉन्सेप्ट को यूज करें, समझें, एंड देन बिल्ड योर ओपिनियन ऑन। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लियर हुआ हो और कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा बहुत जो है वो क्लैरिटी आई हो, और मैं ये वीडियो भी आप लोगों को भेज दूंगा, तो जिन लोगों से मिस हो गई है वो इसको देख लीजिएगा दोबारा।